अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं एक बहुत क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, बिकॉज़ आई वांटेड टू ईट समथिंग प्लांट बेस्ड। तो यहाँ पे मेरे पास ये सोयाबीन स्प्राउट्स हैं, इसकी मैंने पहले भी आई थिंक दो रेसिपीज़ अपने इंस्टाग्राम में डाली हुई हैं, लेकिन आज मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी। आई हैव गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स, एक्चुअली द सेम वाइल्ड मशरूम्स हैं, आप कोई भी मशरूम्स ले सकते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ फ्रेश मशरूम्स। ये एक मैंने कैप्सिकम ले लिया है, और इसमें अगर आप ब्रोकली की एडिशन भी करना चाहते हैं वो भी हो सकती है, बट आज मैं सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। इसके अलावा स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड देन सोया सॉस एंड गार्लिक। चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। जस्ट वॉश योर सोया स्प्राउट्स, सोयाबीन स्प्राउट्स एंड। अच्छा, मैंने कोई एक टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाला है और उसमें मशरूम्स डाल दिए, और बस अब मैं सॉटे कर रही हूँ इनको। मिक्स कर लिया मैंने, और जैसे ही थोड़ा सा मिक्स होके सॉटे हो जाएंगी तो फिर हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को काट लिया बारीक सा, इसी तरह आप काट लें, और इसको अब मैं ऐड कर दूँगी अपने मशरूम्स के अंदर। तो ये मैंने डाल दिए हैं अपनी मशरूम्स में। आई फॉरगॉट टू शो यू मशरूम्स कि मैंने किस हद तक सोटे किए हैं। ये इस तरह से लग रहा है, आप ये देखें इस हद तक, ठीक है, इतनी ये होनी चाहिए कि इनका पानी निकल जाए और ये अच्छी सी मतलब पक भी जाए, पर डेफिनेटली इसमें हल्का सा क्रंच फैक्टर रहना चाहिए। इस हद तक आपने बस पकानी है, और इसमें अब मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है। अब मैं एक टी स्पून के करीब सोया सॉस डाल रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, तो वेजिटेबल्स आर रेडी। ये मेरे पास थोड़े से ये ड्राइड गार्लिक हैं, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। आई लाइक दीज, इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड दैम ऐड दैम, इफ़ यू वॉन्ट स्किप इट जस्ट स्किप दिस पार्ट। यहाँ पर मेरी ये बीन स्प्राउट्स हो रही हैं बॉयल, ये जैसे बॉयल हो जाएंगी इसको मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स में ऐड कर दूँगी। एंड बाय द वे, यू कैन ईट दीज वेजिटेबल्स बाई इटसेल्फ, ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ये दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी एंड डिलिशियस, ट्रस्ट मी। ये आपका साइड एक साइड डिश बन सकती है, और आप बहुत ही मज़े लेके खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो जस्ट वन मोर मिनट टू गो। अच्छा, ये बीन स्प्राउट्स मैंने डाल दी हैं, और सॉल्ट मैं इसलिए नहीं डाल रही बिकॉज़ इसमें सोया सॉस डाला था, वो मैंने रेगुलर यूज़ किया था, लो सोडियम नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। थोड़े से बस यहाँ पे मैं अब ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी, आई थिंक अराउंड 1/2 टीस्पून, देन आई विल मिक्स इट, और बस दैट्स इट। और ये आप देखें कि ये बीन स्प्राउट इस पर बिल्कुल आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने नूडल्स डाले हो पास्ता और समथिंग, जबकि ये बीन स्प्राउट्स हैं। और बस आप इस तरह से इसको खा लें, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेक श्योर यू ट्राई दिस, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। ओके, सी यू।